हाय, मैं निखिल माथुर और ये मेरी कार। मैं और मेरी तन्हाई वापस अपने घर लौटे। समर्पण। कहानी खत्म। एंड ऑफ स्टोरी। अरे निखिल, तुम अकेले आए हो? मैं अकेला ही ठीक हूं। निखिल। हाय मॉम। मॉम, अंदर आ जाओ। लेकिन निखिल, तुमने तो कहा था कि वो भी तुम्हारे साथ आ रही है। गेम ओवर मॉम, भूल जाओ सर। लेकिन तुमने तो कहा था कि मॉम, प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस, प्लीज। ओके ओके, कोई सवाल नहीं पूछूंगी, बस। एक बात बोलूं मॉम? क्या? काश इस दुनिया की हर लड़की आप जैसी समझदार होती। इट्स गुड टू बी बैक होम। मैं सामान रख रहा था। तुमसे बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकता। After all, पहला प्यार ही तो प्यार होता है। और अगर नहीं समझी तो इसे फाइन माइल पाइन को बुझा चुका। फाइन माइल पाइन को बुझा। बहुत शोर हो रहा है ना? वैसे मैंने अपनी जिंदगी काफी जोर शोर से बिताई। फ्लैशबैक टू सेंटर फॉरवर्ड। इधर 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 इधर। गो 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 गो। डोंट मिस इट। इधर 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 इधर। पास इट। ये क्या सर, आप अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं? अरे तो क्या हुआ भाई, जब तक दुश्मन ताकत पर ना हो तो जंग में मजा नहीं आता। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ इस बार छोटे मोटे पड़ोसियों को छोड़कर अमेरिका पे हमला बोल दो। क्या कहते हो? बेहतर है सर। वो क्या देख रहे हो शुक्र भाई, अपना होने वाला जवाई है। बेहतर है सर। गोल तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिन मैंने एक नई बात जरूर सीखी कि शोर वाली जगह में भी मोबाइल डिस्टर्ब कर सकता है। अरे आ रहा हूं। हेलो, हाय नेहा, ये है। हाँ आ रहा हूं। हाँ नहीं 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 नहीं, ओके ओके, नहीं मैं आ रहा हूं, तुम जाना नहीं, जाना नहीं। नेहा नेहा नेहा, I'm
वो मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया था। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। बाय। ओके ओके, हैंग ऑन हैंग ऑन, मेरी बात सुनो। हैव दी स्ट्रॉबेरीज, दे रियली नाइस। मुझे कुछ नहीं खाना, जस्ट गेट लॉस्ट। ओके। अरे ऑलरेडी लॉस्ट यार, मैच हार गया, गोली नहीं हुआ। फिर वही क्या? कुछ देर के लिए, कांट यू फॉरगेट अबाउट योर स्टूपिड फुटबॉल? कम ऑन नेहा, यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल यार। आई मीन फुटबॉल मेरे लिए सिर्फ एक गेम नहीं है, मेरे कॉलेज की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी जब से दादाजी ने कॉलेज बनवाया एक ही तो परंपरा है हमारी, फुटबॉल। आज भी हम लोग मैच जीतने वाले थे, लेकिन अगर तुम्हारा फोन नहीं आया। यू नो इस फुटबॉल की वजह से तुम ऐसे हो, यहाँ से नहीं घुटने से सोचते हो। नाउ लिसन, आज तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा, मैं या फुटबॉल। ऑफ कोर्स फुटबॉल। सॉरी, कम ऑन नेहा, दैट्स अ फाउल। मैं तुम दोनों में से एक को कैसे चुन सकता हूँ? यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तुम मुझे छोड़ो, वैसे भी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। गुड बाय नेहा। एक्चुअली दैट्स अ गुड आइडिया। वैसे तुम्हें तैयार होने में 4 घंटे तो लगते ही हैं। कॉलेज बॉल 8 बजे, मैं तुम्हें 7:30 बजे पिकअप करने आऊंगा। ऑलराइट, बाय। I hate your college ball. I hate your football. I hate. अजीब लड़की, एक बार चिल्लाना शुरू करती है तो रेफरी की सीटी की तरह रुकती नहीं। पागल, लेकिन क्यूट पागल। निखिल, इतना हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा का फोन है, वो कह रही है उसे कॉलेज बॉल में नहीं आना। लो बात करो। अच्छा, फिर तो रितु मीतू नीतू की निकल पड़ी, क्यों माँ? रितु मीतू नीतू, क्या समझता है अपने आप को? लेडी किलर, आई टेल यू डैड, आई किल हिम। अरे बेटा, अगर तुम्हें वहाँ नहीं जाना तो मत जाओ। यू गो एंड चेंज। हम दोनों बाप बेटी घर पे बैठकर गन्स ऑफ नेवरोन देखते हैं, बड़ी क्लासिक फिल्म है। तोप है तोप, तोप। आई एम टेलिंग यू मॉम, अगर उसे तोप बनाकर बॉर्डर पे खड़ा कर देना तो दुश्मन अपने आप हथियार फेंक देंगे। गेम ओवर, टोटल सरेंडर। सरेंडर भी करके देखो बेटा, कभी कभी पीछे हटना एक स्टेप फॉरवर्ड होता है। प्लीज डैड, खुद दुनिया का सबसे बड़ा जिद्दी है वो, और मुझे जिद्दी कहता है। पहले पहले सारी लड़कियां जिद्दी होती है, लेकिन शादी के बाद वो और जिद्दी हो जाती है ना? शादी और निखिल से इम्पॉसिबल। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, वो जरूर ठीक हो जाएगी। शी लव्स यू बेटा। यू नो मॉम, इस वक्त मुझे आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर क्या फील हो रहा है? क्या? कि अभी आप मुझसे कहेंगी, निखिल बेटा मेरे लिए नेहा जैसी एक चांद सी बहू ले आओ। अगर मैं चांद पे होती और निखिल वहाँ पे आखिरी लड़का होता, तब भी मैं उसके साथ शादी नहीं करती। Promise? हाँ? फिर तो रितु मीतु नीतु की निकल पड़ी। You? दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबां। ये दिल गुस्ताख, दिल तेरे लिए बेताब है जान जा। दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबां। ये दिल
दिल लगी बन जाए ना एक दिन कहीं तेरे लिए दिल की लगी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जल्दी पूछो, इससे पहले कि मैं बर्फ बन जाऊँ। Do you love me? कब तक चाहिए जवाब? अभी? देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आखिर मैंने तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज खाई हैं। What's wrong with you, निखिल? जो बात समरपुर का स्ट्रॉबेरी वाला जानता है, वो तुम नहीं जानते क्या? जानता हूँ, लेकिन सिर्फ एक लास्ट टाइम कंफर्म करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम? कल तुम्हें फांसी लग रही है क्या? कल नहीं, लेकिन एक बार तुमसे शादी कर लूंगा तो जरूर लग जाएगी। शादी? खैर रियल नेक्स्ट। सोचो, तुम्हारा फुटबॉल, कॉलेज की जिम्मेदारियां, बीवी के लिए क्या टाइम होगा तुम्हारे पास? मैंने सब सोच लिया। कॉलेज मैनेजमेंट 4 घंटे, फुटबॉल 2 घंटे, बाकी बचे 18 घंटे वो सब तुम्हारे। जोक से पार्टनर कौन, शादी करोगे मुझसे? ओके, पर एक कंडीशन पर। एनीथिंग यू से। शादी के बाद हम समरपुर में नहीं रहेंगे। यू जोकिंग राइट? नेहा, तुम समरपुर को छोड़ना चाहती हो? तुम जानती हो मैं समरपुर को नहीं छोड़ सकता। आई मीन, ये मेरे दादाजी का कॉलेज है, मुझे तो संभालना है इसको। और वैसे भी ये वादियां, ये मौसम, नेहा दिस इज समरपुर, और हमारा सनसेट पॉइंट जहाँ पर कभी कभी 7 रेनबोज दिखते हैं, तुम ये सब छोड़ना चाहती हो? जिंदगी सिर्फ रेनबो के 7 रंग नहीं निखिल, उसमें हजारों रंग होते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है निखिल, और मैं उसका हर रंग देखना चाहती हूँ। लेकिन नेहा, मॉम यहाँ रहती हैं, तुम्हारे डैड यहाँ रहते हैं, आई मीन दिस इज समरपुर, इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? बस निखिल, फ्रेंकली आई हैव हैड इनफ ऑफ समरपुर, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। नेहा, नेहा, मेरी बात। What's up, डाकू अंकल? क्या बेटा, तुम मुझे हमेशा डाकू अंकल बुलाते रहते हो? Well, it's quite simple actually, राम को रामू, राज को राजू, तो डाकिए को राकू। बदमाश कहीं का। किसकी चिट्ठी है? नेहा की। अरे तो घर की बात है, लाई मैं दे देता हूँ। बाय डाकू अंकल। आशिकी आदमी को डाकिया भी बना देती है। Thank you.
बिना पूछे कभी किसी की चिट्ठी पढ़ोगे? बोलो पढ़ोगे? How dare you? तुमने मेरा लेटर पढ़ा कैसे? और अगर मैं ये लेटर नहीं पढ़ता तो मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता कैसे चलता? क्या बुराई है एयर होस्टेस बनने में? बुराई एयर होस्टेस बनने में नहीं है, ये बात मुझे छुपाने में है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज या शॉक? नेहा, ये हमारी शादी की बात चल रही है। समझने की कोशिश करो, इस 4 इंच के समरपुर में मेरा दम घुटता है। मैं आजाद होना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, लाइक अ फ्री बर्ड। और मेरा क्या होगा? ऑब्वियसली तुम भी मेरे साथ चलो। क्या बनके एक्सेस बैगेज? आई मीन नेहा, तुम जानती हो मैं किसी भी हाल में समरपुर को नहीं छोड़ सकता। इट्स जस्ट कम ऑन निखिल। वो देखो निखिल, उन्हें तो हम चींटी जैसे लग रहे होंगे। मुझे तो वो प्लेन चींटी जैसा लग रहा है जिसके पर निकला है। निखिल, मैं परसों 4 बजे की ट्रेन से जा रही हूँ। इफ यू रियली लव मी, तुम भी साथ चलोगे। एंड इफ यू रियली लव मी, तुम यहाँ होगी। जस्ट यू, मी एंड आवर 7 रेनबोज। Well, 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 so you're leaving, eh? Hmm. I'm gonna miss you. Me too. I'll be all right. Tumhe lagta hai wo aayega? लगता है तुमसे ज्यादा अच्छी तरह तो मैं उसे जानता हूं। वो समरपुर छोड़कर नहीं जाएगा, यही उसकी दुनिया है बेटा। अच्छा बेटा, लुक आफ्टर योरसेल्फ। आई विल, आई विल डैड, आई मिस यू टू। Yeah!
No, son, no. It's all my fault. मैंने उसकी हर जिद पूरी की। मुझे क्या पता था वो एक दिन हम सबको इस तरह छोड़कर चली जाएगी। मैं भी कैसा पागल था। नेहा के साथ ये 4 साल बिताकर ये सोचने लगा कि मेरे सिवा वो कोई कदम नहीं उठाएगी। I was so wrong. उसने कदम उठाया भी तो कहां, सीधे आसमान पर। जोश में आके वो चली तो गई, लेकिन हो सकता है वो उल्टे पाव लौट आए। नहीं माँ, वो बहुत जिद्दी है, वो वापस नहीं आएगी। तो तुम क्या कम जिद्दी हो, मेरे बेटे हो। मुंबई जाओ और उसे मनाने की आखिरी कोशिश करो, और वो अगर वाकई तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारे साथ जरूर आएगी। कम ऑन, कैन यू डू इट सन। कम ऑन, मुंबई जाओ और अपनी दुल्हन मेरी बहू को लेके आओ। गो। ठीक है, अब मैं मुंबई से तुम्हारी बहू को वापस लेकर ही आऊंगा। ए निखिल, एक काम करना यार, तुम मुंबई जा रहे हो तो मेरे लिए अमिताभ बच्चन का एटलीस्ट ऑटोग्राफ लेना यार। यार तुम लोगों को मुंबई सुन के हो क्या जाता है यार, मैं वहां अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जा रहा हूँ, तेरे लिए ऑटोग्राफ लेने नहीं जा रहा हूँ यार। ये ले। ठीक है, अमिताभ बच्चन के बंगले की चाबी। ये मेरे जतिन अंकल के खाली फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है। ओके। जतिन अंकल 3 महीने से लंदन में कोरियो की पेंटिंग बनाने में बिजी है। वो चैफ। yeah. सुन, जब तक वो वहाँ नहीं आते तब तक तुम आयश कर, और जो पैसे बचेंगे उसकी हमें ट्रीट देना। ओके? ओके। और ये उनका पता। यार तुम लोग मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो, आई मीन मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ यार। निखिल। हाँ। तुम मुंबई जा रहा है दोस्त, वो किसी ने सच ही कहा है, मौत और मुंबई से कोई लौट के नहीं आता। सब कुछ है, चलो सब है, सब है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे, अरे वो क्या रहा है यार? ओ हंट परे, अरे कितने, मैं आंटी सॉरी, अरे ओ आई एम सॉरी, मैं उठ रहा हूँ मैडम। क्या? ओ अरे देखिए, एक सेकंड, मैं अरे उठ रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। आ बोल, ओके ओके ओके, मैं उठ रहा हूँ मैडम। अरे आओ, क्या हो रहा है? मेरी गलती नहीं थी, वो पीछे। नहीं नहीं, गलती हम मुंबई वालों की है, घुसने देते किसी भी अंजू पंजू को। आ जाते हो तुम लोग ट्रेन लेकर, कोई जगह बची है यहाँ रहने के लिए? कहाँ रहोगे तुम हमारे सर पर? एक्सक्यूज मी, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप सेकंड क्लास कंपार्टमेंट के थर्ड क्लास पैसेंजर की तरह बात कर रहे हैं, जो हाथ जोड़कर ट्रेन में घुस तो जाते हैं लेकिन अगले स्टेशन पर दूसरों को अंदर आने से रोकने लगते हैं। लुक, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? ये मुंबई है क्या? एक फोन घुमाओगी ना, कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा। अरे यू इडियट। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। ओ थैंक यू निखिल, थैंक यू। कम, लेट्स हैव सम मुंबईया चाय, चलो ना। सो कैसी है तुम्हारी नई दुनिया? सुपर, वंडरफुल, सो एक्साइटिंग। समरपुर की याद नहीं आती? तुम्हारी बहुत याद आती है, थैंक गॉड तुम आ गए। इतने बड़े शहर में अकेले डर नहीं लगता? अकेले? यू मस्ट बी जोकिंग, इस शहर में अकेले होने का टाइम कहाँ है। हाँ अकेले तो हम पड़ जाते हैं, वो क्या कहती हो तुम हमें, स्मॉल टाउनर्स। नेहा चलो वापस चलते हैं। व्हाट, तुम मुझे वापस ले जाने आए हो? हाँ नेहा, मैं ही नहीं, मॉम, चोपड़ा अंकल सब यही चाहते हैं। बट इट्स टू लेट निखिल, मैं चाहूँ तो भी वापस नहीं जा सकती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। गर्ल्स, 2 मिनट्स टू रीग्रुप।
देखो निखिल, मुझे जाना है, ओके? I'll see you later. Bye. एक बार फिर सोच लो नेहा, ये सबकी खुशी का सवाल है। सवाल ही नहीं उठता निखिल, मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। तो ठीक है, मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। What? मैंने कहा मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे इसी शहर में रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। Good. हो सकता है कुछ दिन बाद तुम भी ना जाना चाहो। Okay, I really have to go now, huh? I'll see you later. Bye. Excuse me, lift please. यार, come on, next. Let's go. Hey, you. Shit. Hang on. Skito. Hey. B station. Hey, lift up. Hey. Excuse me. Who do you think you are? पुलिस को बुलाओ क्या? तुम मुझे follow कर रहे हो? वाह, I don't follow you. मैं तुम्हें follow कर रहा हूँ. मैं तुमसे ये पूछने आया, तुमने lift क्यों नहीं रोकी? शुद्ध है शगुन. आज छोकरो कौन छे? गुंडो छे मामा. मारी पाछळ अहियां सुधी आवी गयो. मी गुंडो छे? What are you talking about? देखने में तो शरीफ लगता है. मामा प्लीज, आई नो बेटर, ओके? ए यू, तुम जाते हो या बुलाओ पुलिस को? शगुन, पुलिस! शगुन, सुनो, बुलाओ मैं. ओके, आई एम गोइंग. जोयू कैसे भाग गया? बोलती बंद हो गई उसकी, इडियट. पुलिस को बुलाऊं? मम्मी को बुलाऊं? फोन लगाऊं? यार ये शगुन है तो अपशगुन क्या होगा? माय गॉड. जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद. मामा, जतन अंकल के यहाँ कोई रहने आया है क्या? लगता है. अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? पिछले दो घंटे से मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. मैं अभी आई. तुम? वेट. ये गुंडा यहाँ तक पहुँच गया? क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रह रहा हूँ. मगर ये तो जतन अंकल का घर है. हाँ, अब मेरा. You want some? No, I hate noodles. यानी तुम सचमुच मेरे सर पर रहने आ गए? यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने चांस ही नहीं दिया. चांस? I hate all this double meaning talk, okay? Double meaning क्या बोला मैंने? और ये सब शोर भी नहीं चलेगा यहाँ पे, समझे? What? Sure. That's मोहम्मद रफी. उनके दुश्मन ने भी उनके गाने को शोर नहीं कहा होगा. Do you know that? Okay, okay. Now listen. पास ही में यहाँ एक बस. Shh. क्या है? म्यूजिक बंद हो गया है. वॉल्यूम डाउन. कंटिन्यू. पास ही में एक बस्ती है, वहाँ शादी में लाउड स्पीकर्स बजते हैं. वहाँ तुम्हारी जरूरत बहुत पड़ेगी. गॉट इट? थैंक्स. तुम्हारा रेफरेंस दूँ? शट अप, इडियट. गुड नाइट. वैसे लाउड स्पीकर तो खुद है यार. पता नहीं जतिन अंकल को क्या हो गया, ऐसे जंगली आदमी को घर में रखा है कि पूछो मत. बेटा, अगर वो जंगली होता तो झट से तुम्हारी बात नहीं मानता और म्यूजिक नहीं बंद करता. लेकिन इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया, प्यार आया. सॉरी आंटी, अब मैं बंद करता हूँ. नहीं नहीं, चलने दो. मैं तो सिर्फ इतना पूछने आई हूँ, इतने पुराने गाने तुम्हें मिले कहाँ से? ओ, अब एक्चुअली आंटी, ये मेरे डैड का कलेक्शन है. बैठिए ना आंटी. नो नो, इट्स ओके. वैसे आजकल ऐसे गाने सुनने को कहाँ मिलते हैं? मिलती भी है तो किस लिबास में? So sad, ना? जी बिल्कुल.
वैसे अगर हमारी दादी अचानक जींस पहनकर घूमने लगे तो अजीब लगेगा नहीं? जींस? वैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं आंटी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इसे आजकल शोर समझने लगे। वो शगुन को जरा गुस्सा जल्दी आ जाता है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल। मैं तुम्हारा कलेक्शन देख सकती हूं? या या, प्लीज प्लीज। क्या बकवास कर रही हो तुम? चार हफ्ते लगते हैं गाना ढूंढने को। गाना ही तो ढूंढना है, कोई ईमानदार नेता ढूंढने को तो नहीं कहा? सर वो गाना तो केएल सहगल के किसी भी एल्बम में नहीं है। दरअसल वो इम्पॉसिबल, मैंने खुद सुना है कुंदन को गाते हुए। दिल जलता है तो जलने दे, अगर दो दिन के अंदर तुमने वो गाना ढूंढ के नहीं दिया तो दूसरी नौकरी देख लो। सर प्लीज, व्हाट डू यू थिंक? इस प्लैनेट टाइम का मालिक मेरा दोस्त है, समझी? जब भी लंदन से आता मेरे साथ बैठ के बियर पीता। सर आपकी वजह से मुझे केएल सहगल के सारे गाने सुनने पड़े, मगर वो गाना, मगर मुझे उस गाने के अलावा और कुछ नहीं सुनना, दैट्स ऑल। दूसरी नौकरी देख लो तुम, बात करते हैं। देखना तो आपको चाहिए था सर, ये एल्बम दूसरे सिंगर का, ये देखिए। दिल जलता है सहगल साहब ने नहीं, मुकेश साहब ने गाया था। फिल्म पहली नजर, म्यूजिक डायरेक्टर अनिल बिस्वास। नॉनसेंस, मेरा विश्वास कीजिए सर, देखिए ना। लेकिन मैंने तो खुद सहगल साहब को सुना गाते हुए। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, तुमने मेरा काम कर दिया और तुम्हारा भी, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाती और वो मैनेजर रहमान की भी। लेकिन है कहाँ वो आशिक हमारा? बीवी का बच्चा, कह देना उससे कि हम आए थे अंगल साहब। गया क्या बुढ़ा पाइप से लटकते हुए? हे, आई एम सारा। हाय, थैंक्स सो मच, आपने मेरी नौकरी बचा ली। ओह नो, प्लीज डोंट मेंशन इट, इट्स ऑल राइट। नाइस टू मीट यू। थैंक यू दोस्त, आई एम रहमान, एआर रहमान, द एआर रहमान। क्यों, इतने बड़े इंडिया में कोई दूसरा एआर रहमान नहीं हो सकता? वो म्यूजिक बनाकर बेचता है, मैं म्यूजिक बेचकर बनाता हूं। पुलिस से भागकर आए हो? फिर पुलिस? मेरी शक्ल पर लिखा है कि मैं पुलिस स्टेशन से भाग रहा हूं। अरे यार, तुम स्टोर के अंदर कम, स्टोर के बाहर ज्यादा देख रहे हो। वो जाने दीजिए, मैं ये सीरीज खरीदना चाहता हूं। 10,000 रुपए? ये 10,000 रुपए की सीरीज है? 10,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा। आप मुझे 10,000 रुपए क्यों देंगे? अरे यार, तुम म्यूजिक का इंसाइक्लोपीडिया हो, तुम्हें काउंटर के इस तरफ नहीं, काउंटर के उस तरफ होना चाहिए था। नौकरी करोगे? नौकरी नहीं, थैंक्स। अरे क्यों, इंडिया का नंबर वन म्यूजिक स्टोर है प्लैनेट एम। Yeah, that's great. अरे फिर बात, तुम इधर आओ यार, इधर आओ दोस्त। देखो वैसे तो यहाँ नौजवानों की भीड़ लगी रहती है, मगर तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का अगर इधर काम करेगा तो खूबसूरत लड़कियां और भी आएंगी। मेरी सेटिंग यार, समझा करो। थैंक्स, बट मुझे नौकरी नहीं करनी। क्यों, काम पसंद नहीं है, दाम पसंद नहीं है, जगह पसंद नहीं है? क्यों नहीं, जगह तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर नौकरी पक्की? पक्की, डन डन। या या, ओके। ओ वेलकम टू प्लैनेट एम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लंच टाइम स्टार्ट्स। ओके ओके, लिसन टू दिस वन। विमान में इमरजेंसी के चार द्वार होते हैं, आगे दो द्वार, पीछे दो द्वार, चारों ना खुले तो हरिद्वार। हाय। हाय, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? समरपुर के बारे में। अब ये मेरे पास टिकट्स हैं, आज शाम 6 बजे की ट्रेन। निखिल, समरपुर जैसी जगह में सिर्फ स्ट्रॉबेरी जिंदा रह सकती हैं, इंसान नहीं। लेकिन यहाँ मैंने, निखिल प्लीज, हमें एक दूसरे के प्यार और साथ से मतलब है, तो फिर हम समरपुर में रहे या कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है? लुक निखिल, मेरा फैसला फाइनल है। मैं जानता हूँ तुम्हारा फैसला जरूर बदलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी फैसला फाइनल नहीं होता। तो क्या सुलझन को सुलझाने के लिए किसी कोर्ट में जाए? उतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने एक म्यूजिक स्टोर है प्लैनेट एम, वहां मुझे नौकरी मिल गई। जब भी समरपुर की याद आए, आई एम जस्ट अक्रॉस द रोड। निखिल, अभी बुलाती हूँ। सेक्रेटरी को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, कॉल घुमाओ, मम्मी को बुलाओ, डैडी को बुलाओ, बे 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 बे। Just stop it, okay? मेरे डैड के।
लगता है कुछ गलत बोल दिया यार, माफी मांग। ओ सॉरी। एक रिसर्च के अनुसार हिंदुस्तान में करोड़ों लोग रात को भूखे पेट सोते हैं, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। इसी सिलसिले में पेश है हमारी जलगांव। लगता है मुझे भी बिस्किट से काम चलाना पड़ेगा। राजेश बादल की एक रिपोर्ट। कुछ खाना तो बनाना आता नहीं। ओह मॉम, आई मिस योर खिचड़ी। अरे खिचड़ी बनाना क्या मुश्किल है, आओ मैं तुम्हें बताती हूं। थैंक्स आंटी। किचन में आ जाओ बेटा, पिलाओ पिलाओ माँ, सांप को और दूध पिलाओ। ये कुकर पकड़ो, ये डाला चावल, ओके, ये डाली दाल, ओके, अब इसमें पानी डालो। और फिर क्या करूं? फिर मेरे सर पे रखो, इडियट। फिर तो कुकर फट जाएगा नहीं आंटी। चल बदमाश। बैक जोक। खिचड़ी। मैं भी आऊँ क्या पकाने? मैं अकेले ही खाऊंगा। शगुन, निखिल केटलू फाइन छोकरू छे, देखो ना कैसे घर बैठे बैठे खिचड़ी खा रहा है। कड़का होगा मम्मा। मैं तो उसे खाने पर रुकने वाली थी, और तुम भी ना उसे। मम्मा आप एक कैंटीन क्यों नहीं शुरू करती, बिल्डिंग के वॉचमैन बेचारे भी खा लिया करेंगे। शगुन तारे प्रॉब्लम सोचे हाँ, जब भी उसका नाम लेती हूँ तुम गर्म हो जाती हो। पता नहीं मम्मा, जब भी उसकी सूरत देखती हूँ मेरा दिमाग धम से उठ जाता। ये तो कुकर सच में फट गया यार, कहीं मेरी काली ज़बान तो नहीं है। Not bad, Nix. अगली बार उसकी माँ को कहना कि प्रेशर कुकर के साथ में एक हेलमेट भी दे। सच सच। इसको क्या हो गया? आज इसका बर्थडे है और इसको किसी ने विश नहीं किया है। अरे तो इसको विश करते हैं भाई। अभी नहीं, अभी नहीं, शाम को। ओके। उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। हाँ। उसकी एक कजिन है नम्रता, अनमैरिड। सेटिंग। राइट। उसको सबको इनवाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पार्टी को तुझे जमाना है। Excuse me, sorry. ये कहाँ ले आए हो मुझे? शायद किसी का बर्थडे है। बर्थडे? हाँ। Yo, happy birthday, Sarah. You remember? We remember. We. ये मेरी खूबी नहीं, ये मेरी कमजोरी है। खूबसूरत लड़की का बर्थडे तो मैं भूलता ही नहीं हूँ। Happy birthday. Cheers. And cheers. मैं नहीं पीता रहमान। Oh, come on, ये शैंपेन है। हाँ तो मैंने कब कहा कि शैंपू है? Come on, निखिल। मैं शराब। शैंपेन को शराब कहकर शैंपेन की इंसल्ट मत करो। Come on, birthday girl का दिल मत तोड़ो। Birthday girl का दिल मत तोड़ो। And now from the birthday girl. Come on, निखिल, come on. Very good. And now from A.R. रहमान। अरे रितु मितु नीतु, मैं आता हूँ। I'll get him. Yeah. Hi. Hi. क्या रहमान भाई? Hello, gorgeous. Happy birthday, darling. निखिल. Why does it happen in love? Why does it happen in love?
रात को यहां क्यों उतरना है? ओके, गुड नाइट रमन भाई, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक्स फॉर द शर्ट। ओ मखना वे, हाय नेहा। नेहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या करूं? निखिल प्लीज, इट्स 2 o'clock इन द मॉर्निंग। निखिल, मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ, बट लुक निखिल प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। एग्जैक्टली, यू नो नेहा, लाइफ में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। कोई तो नहीं है मेरे पास नेहा, कंट्रोल न खुद पर, न तुम पर, न इस दिल पर। नेहा, I'm really missing you, नेहा। चलो 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 सरपुर वापस चलते हैं, मॉम के पास, तुम्हारे डैड के पास, लेट्स गो बैक। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। I'll be right there। निखिल, you're drunk? I'm not drunk। शैंपेन को शराब बोलकर उसकी इंसल्ट मत करो। निखिल, कल मेरे लिए बहुत खास दिन है, मैं अपनी पहली फ्लाइट पर जा रही हूँ, सुबह जल्दी उठना है, एंड आई नीड टू फील गुड एंड लुक गुड। तुम कल जा रही हो? निखिल, इफ यू रियली लव मी, अगर तुम चाहते हो कि कल मैं तुम्हें अपनी आंखों में लेकर उड़ूं, तो दोबारा फोन मत करना। If you really love me, अगर तुम चाहते हो कि कल मैं तुम्हें अपनी आंखों में लेकर उड़ूं, तो दोबारा फोन मत करना। ये गुजरात की स्पेशल डिश है, उंधियों। अच्छा लगे तो और मंगवा लेना। कविता आंटी, सो स्वीट ऑफ यू आंटी। अपने बदल गए तो क्या हुआ, कुछ पराए तो अपने बन गए। थैंक यू आंटी। वेलकम अबाउट, आज आप लोग रियल एयरक्राफ्ट के अंदर अपना डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। वहां पर पैसेंजर्स के साथ हमारे ऑफिसर्स भी होंगे जो आपको गाइड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड कैच यू लेटर एट द इमिग्रेशन। थैंक यू सर। Thank you.
लुक निखिल प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन हियर. क्यों तुम बार बार इस तरह? कल रात के लिए रियली सॉरी. मैंने सोचा एक आखिरी बार पूछ लूं, वापस चलोगी मेरे साथ? मेरी दुनिया बहुत बड़ी है निखिल, और तुम उस समरपुर के कुएं के मेन रखो. मेरा रास्ता वहां है, आसमान में. मुझे लगता है जिद को लेकर एवरी नाउ एंड देन तुम्हारा इस तरह मेरे सामने आना, यू नो, इससे अच्छा है कि हम ना मिलें. कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम मेरे सपनों को समझ ना लो. और अगर नहीं समझे तो इसे फाइनल गुड बाय समझ लो. यहां तो मुझे गुड बाय निखिल. पता नहीं गुड बाय को गुड क्यों कहते हैं. ट्रस्ट मी इट वॉज बैड, रियल बैड. क्या बात है दोस्त, आंखें लाल, चेहरे पे सवाल, लड़खड़ाती चाल. ऐसा हाल तो तब होता है जब बीवी माशूक के साथ पकड़ ले. क्या हुआ निखिल? कुछ नहीं रहमान भाई. देखो दोस्त, कितना भी भाग लो, गम, यादें और कर्जा पीछा नहीं छोड़ते. कर्जा है तो एडवांस ले लो, प्यार है तो एडवाइस ले लो. मैंने कहा ना रहमान भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. निखिल, लगता है इसके दिल को बिन बुलाए रहमान की जरूरत नहीं है. सारा कम है, कुछ तो हुआ है जी. निखिल को, मुझे लगता है उसको सहारे की जरूरत है. सारा, व्हाई डोंट यू बी हिज सहारा? एंड देयर गोज माय सहारा. यस मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई एम द मैनेजर. मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, मत बताओ मैं लगती कौन हूँ तुम्हारी. नहीं है, ऐसी बात नहीं है सारा. वो घर की बहुत याद आ रही है. समरपुर? या होता है. शुरुआत में मुझे भी दिल्ली की मम्मी डैडी की बहुत याद आती थी, मगर धीरे धीरे. हे बाय द वे, ये समरपुर कहाँ है? उत्तरांचल में एक छोटा सा हिल स्टेशन. हिल स्टेशन? यू मीन कोहरे, पहाड़ियाँ एंड ब्यूटीफुल रेनबोज, राइट? तुमने कभी रेनबोज देखे? सिर्फ तस्वीरों में. मुंबई में तो आसमान ठीक से दिखाई नहीं देता. रेनबोज कहाँ से दिखाई देंगे? हमारे समरपुर में अगर मौसम साफ हो तो एक नहीं, साथ साथ रेनबोज दिखाई देते. सात रेनबोज एक साथ? यू किडिंग? नो, आई एम सीरियस. एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात. हाउ रोमांटिक. कुछ लोगों को नहीं लगता. ऐसे लोगों पर बहुत तरस आता है मुझे. कॉफी? हाय बेबी. निखिल, हाँ? चलो कहीं और चलते. क्यों, क्या हुआ? यहाँ कॉफी नहीं, चाय मिलती है. हाँ तो चाय पी लेते हैं. नहीं नहीं, कहीं और चलते. कम ऑन. अरे लेकिन सारा, जानती है समरपुर की खास बात क्या है? ऑफ कोर्स, निखिल माथुर का बर्थ प्लेस है. वहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है. व्हाट यू मीन, समरपुर में कायदा कानून नहीं है? जरूरत ही नहीं पड़ती. हे डूड, बर्थ प्लेस, गिव अस द बॉल. हे डूड, बॉल दो ना, बॉल प्लीज, गिव अस द बॉल दो ना. मैं आता हूँ. बॉल चाहिए? यस. कम गेट इट. नहीं यार, पहले से ही इस फुटबॉल ने बहुत परेशान कर रखा है. How dare you follow me? Listen baby. दूर रहो उससे. I said leave me alone. दूर दूर रहो. Get out. Come on baby, listen to me. Just get out. Just get out from here. Listen. सुन मेरी बात. I said leave me alone. Get out. Just get out. I said stay away. Stay away from me. तुम जानती हो उसे? पता नहीं कौन है.
तुझे क्या लगता है अकेली? Hey, listen, man, मेरी बात सुन। What's wrong with me? बता। Nikhil, don't, Nikhil, रुक जाने दो, please, रुक जाने दो, don't, Nikhil, please, please, for God's sake, जाने दो। Nikhil, stop it, चलो यहाँ से। And you, stop following me. Follow करता है, साले। Nikhil, Nikhil, please, Nikhil, 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 don't, 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 just let him go. Nikhil, चलो यहाँ से। Nikhil, please, let him go. Not again. देखो तुमसे अच्छा कौन है? मम्मा, it's you. क्यों? क्या हुआ? मैं समझी वो भटकती आत्मा जल्दी आ गया। वो बेचारा आप ही गया। तो तुम्हें क्या? मुझे क्या? तुम्हीं को तकलीफ होगी। रात के खाने के साथ साथ शाम की चाय भी पिलानी पड़ेगी उस इडियट को। चाय, सारा, टी। थैंक्स। अरे इतनी अपसेट लगोगी तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। सब तुम्हारा कसूर था। सॉरी, वो लड़का तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था इसलिए। God, कसूर का मतलब, जब से तुमने मुझे समरपुर के बारे में बताया है मैं इमेजिन कर करके पागल हो रही हूँ कि इस मौसम में तुम्हारा समरपुर कैसा लगता होगा। ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ पेंटिंग। निखिल, तुम समरपुर नेक्स्ट कब जा रहे हो? कल। व्हाट? हाँ, अभी मेरा कोई काम नहीं। यू मीन तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर जा रहे हो? कुछ दिनों के लिए तो आया था। It's time to go back. Hey, दोस्ती नहीं तोड़ोगे ना? सबूत? जो तुम कहो। मैं तुम्हारे साथ समरपुर आ सकती हूँ? तुम समरपुर सारा कहो ना। यस प्लीज, से यस, यस, यस। आई लव यू निखिल। निखिल, लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरी। Conditions apply. अब से 15 दिन बाद वापस आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं मुंबई छोड़कर जा रहा हूँ रहमान भाई। I'm going back to समरपुर। तो वापस क्यों? फ्रेंडशिप के लिए, हमारी दोस्ती के लिए। अरे भाई, अब से 3 हफ्ते बाद हमारे प्लेनेट टाइम के 10 साल पूरे हो रहे हैं। उसके सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ी पार्टी है, म्यूजिक, मस्ती, मजा। और उस पार्टी में जान डालना तुम्हारा काम है, सारा के बर्थडे की तरह। वो मेरा नहीं, शैंपेन का नशा था रहमान भाई। हमारी दोस्ती का नशा शैंपेन से बढ़कर है रहमान भाई। आई डोंट नो, यू आर कमिंग बैक। बस आपसे कौन जीत सकता है रहमान भाई? जीत रहा हूं। 15 days, that's it, you are coming back. 15 days, I'm coming back. Where is he? ये रहा। हाय मॉम। मॉम, ये सारा है। हेलो, याद है मैंने आपको बताया था मेरे साथ प्लैनेट एम में काम करती? वो एक्चुअली मुझे समरपुर देखना था तो साथ चली आई। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, कोई नहीं। I'm sorry, uncle. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन यहाँ। हाँ, I believe you, son. And believe me, नुकसान मेरा है। मेरी जिद्दी बेटी की वजह से तुम अपनी जिंदगी मत रोको। Go on. नहीं अंकल, ऐसा। Oh, come on. I understand. It's perfectly all right. Come on. Go ahead. Good luck. चलता हूँ। शमशेर। यस सर। अच्छा वाला जवाई हाथ से निकल गया। बेहतर है सर। दिनों में अच्छा खासा टूरिस्ट गाइड बन गया, पर कहीं अच्छा भी लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि हमारी पसंद एक जैसी थी। शायद आज रेनबोज नहीं दिखाई देंगे, बादल है ना। पता है जिन दिनों बादल नहीं होते ना, वो उस पहाड़ी के पीछे से सूरज नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। ब्यूटीफुल। हाउ क्यूट। सॉरी, व्हाट?
कुछ नहीं। बड़ी प्यारी लड़की है। कल अपने साथ स्कूल ले गई तो बच्चों को कहानियां सुनाने लग गई। अच्छा, तुम्हारी और उसकी पसंद कितनी मिलती जुलती है ना? अजीब बात है माँ, नेहा हमेशा से यहीं रही लेकिन उसे समरपुर से कभी लगाव नहीं हुआ। और सारा को देखो, एक हफ्ता हुआ है मुंबई से आए हुए लेकिन सबसे ऐसे घुल मिल गई जैसे हमेशा यहीं रहती हो। ये सिर्फ तुम्हारी दोस्त है या? मॉम आप फिर शुरू हो गई। नाउ डोंट गेट एनी आइडियाज, ओके? लेट मी हैव माय ब्रेकफास्ट प्लीज। ओके, तो फिर उससे राखी बनवा ले, कम से कम मुझे एक अच्छी बेटी तो मिल जाएगी। एक बात तो है, या तो ये लड़की बिल्कुल बेवकूफ है या फिर तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है जो तुम्हारे साथ यहाँ तक अकेली चली आई। एक्चुअली मॉम, आई डोंट नो। देन नो नो। हाँ? फौरन मुड़कर मत देखना, लेकिन इस वक्त भी वो यहीं देख रही है। आदत से मजबूर, माँ की बात नहीं सुनी, फौरन ऊपर मुड़कर देख लिया और मुझे कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया। I decided to forget the past. माँ को वो पसंद थी
उसको समरपुर पसंद था, मैंने सोचा बात कर ही डालूं। What? ऐसा कैसे कर सकते हो? Please, please listen to me. सारा? Please मेरी बात तो सुनो। अच्छा, अच्छा मैं आ रही हूँ। मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। मैंने कहा ना मैं कल शाम तक पहुँच जाऊँगी। Please. अच्छा, अच्छा, अच्छा मैं आज ही निकलती हूँ। I'm coming. I'm leaving right now. I'm coming. सारा? I'm coming. सब ठीक तो है ना? Any problem? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। It's okay सारा, तुम मुझे बता सकती हो? वो मेरा लैंडलॉर्ड था, घर से सामान बाहर फेंकने की धमकी दे रहा था। 6 महीने से रेंट नहीं दिया ना। I'm sorry निखिल, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। इस वक्त कोई ट्रेन है यहाँ से? तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं रहमान भाई से कह देता हूँ, वो पैसे भिजवा देंगे। नहीं निखिल, मैं रहमान सर का और ऐसा नहीं लेना चाहती, मुझे ही जाना पड़ेगा। What time's the train? 2-2.5 घंटे में होगी, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं नहीं निखिल, तुम इतने दिनों बाद घर आए और फिर कुछ दिनों बाद तुम मुंबई आने ही वाले हो रहमान सर के शो के लिए। लेकिन सारा, निखिल प्लीज प्लीज। अच्छा ओके, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो याद रखना I'm always there, okay? और अभी कुछ दिनों में जो मैं मुंबई आ रहा हूँ, रहमान भाई के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। I'm so sorry कि मुझे इस तरह जाना पड़ रहा है। It's okay. वहां जाते ही मुझे फोन करना, ओके? Don't worry. अरे यार, ये फुटबॉल को बास्केटबॉल बना के क्यों खेल रहा है? 2 दिन से ऐसा ही है यार, भगवान करे इसे अपना प्यार मिल जाए ताकि हम कोई मैच तो जीत सके। निखिल, ये नंबर मौजूद नहीं है। द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। हेलो प्रिंस ऑफ समरपुर, कैसे हैं आप? और सारा का क्या हाल है? रहमान भाई, सारा को तो मुंबई गए हुए 2 दिन हो गए। कमाल है जी। और पता नहीं रहमान भाई फोन भी नहीं उठा रही है। अरे ऐसा क्या कर दिया तुमने जो जल्दी वापस आ गई और अब अवॉइड भी कर रही है? मैं क्या करूंगा रहमान भाई, वो तो उसका वो बदतमीज लैंडलॉर्ड उसका सामान बाहर फेंकने की धमकी दे रहा था। मन करता है तू ही खींच के उसको। अरे भाई ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि मैं ही उसका लैंडलॉर्ड हूँ और मैं ऐसी हरकत कभी कर सकता हूँ? सॉरी रहमान भाई, लेकिन फिर सारा ने मुझसे इस तरह झूठ क्यों बोला? और मुझे बदनाम क्यों किया? यस सारा है? है ना, एक हफ्ते से बाहर है। कहाँ गई? नो आइडिया यार, किसी जोकर के साथ गई है। सम फनी प्लेस, विंटरपुर, समरपुर, समथिंग लाइक दैट ओनली। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, सारा के तो क्या बताऊं, कौन आया था? वही जोकर। हां एक बार मार खा के समझ में नहीं आया तुझे? निखिल, मुझ पर हाथ उठाने से पहले एक बार सारा से बात कर लो। तो कहानी कौन सुनाने वाला है, तुम या तुम सारा? निखिल, मैंने तुमसे झूठ बोला था। निखिल ये बंटी है, बंटी के साथ मेरी। निखिल मैं और ये एंगेज थे, किसी ने इसके कान भर दिए कि मेरी लाइफ में मेरे साथ कोई और भी है, इसलिए मुझसे नाराज होकर तुम्हारे साथ समरपुर चली गई मुझे जलाने के लिए। जलाने के लिए नहीं बंटी, मैं वो जगह एक्चुअली देखना चाहती थी। इट वाज ग्रेट निखिल, मैं तो वापस ही नहीं आती। अगर मैंने तुम्हें उस रात फोन करके अपनी जान देने की धमकी ना दी होती तो? और अगर मैं नहीं आती तो? अगर तुम नहीं आती तो तुम मेरी जगह पर वैसे बंटी स्टॉप, इसे मत कर, मन में की बात कभी मत करना मुझसे। ओके मैकडॉनल्ड्स में मेक योर ओन कॉम्बोस, हर दिन एक नया फ्लेवर, बिकॉज़ वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स।
निखिल, I'm really sorry. मैं जानती हूँ तुम इस वक्त कैसा फील कर रहे होंगे. I really don't know how to thank you, निखिल. तुम्हारी वजह से मुझे बंटी वापस मिल गया. तुमसे बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकता. After all, पहला प्यार ही तो प्यार होता है. वो क्या है ना सारा, प्यार कोई रेस नहीं जिसमें पहला दूसरा तीसरा, प्यार सिर्फ प्यार होता है. निखिल, हे डूड, हाउ डू आई लुक, कैसा लग रहा हूं मैं? सॉरी, वो क्या है ना निखिल, तारा इज वेरी पर्टिकुलर. तारा, व्हेन यू सेटिंग? तारा, पर रहमान भाई पिछली बार तो आपने वो, देखो दोस्त, क्या है कि मुझसे किसी लड़की का दुख देखा नहीं जाता. कोई भी लड़की मुझे एक हफ्ते से ज्यादा बर्दाश्त करे ये कोई अच्छी बात है. इसलिए एक हफ्ते के बाद मैं अपनी जान से कहता हूँ, जाना अब जाना. Excuse me. Hello. क्या? मुझे वो ब्रिटिश स्पेयर्स की नई सीडी चाहिए थी. सॉरी, स्टोर बंद हो चुका है. Hey, you're saying no to Britney Spears? नहीं, I'm saying sorry to Britney Spears. कल आना, सीडी के साथ में ब्रिटनी स्पीयर्स का ऑटोग्राफ किया हुआ पोस्टर फ्री दूंगा. टुमारो. ओह मैन, तुझे क्या लगता है ये कल वापस आएगा? हाँ, क्यों नहीं. नहीं, अभी जाकर किसी दूसरी दुकान से खरीद लेगा. अरे उसे म्यूजिक से मतलब है, दुकान से थोड़े. प्यार में भी जो ये फंडा चलाता है ना, खुश रहता है. सारा चली गई, जाने दे, तुझे प्यार चाहिए कहीं और से आने दे. क्या बात कर रहे हैं मन? अरे 39 इश्क कर चुका हूँ, अब दिल का 40वां होने वाला. तारा, ए माय बेबी तारा, योर प्लेस ऑफ माइन. कमाल है, रहमान भाई के झूठे प्यार को सच्चा प्यार मिल जाता था और मेरे सच्चे प्यार को. ठीक है, तो आप टिकट ऑफिस में छोड़ दीजिए, मैं स्टेशन जाते हुए कलेक्ट कर लूंगा. आप जा रहे हैं सर? हाँ, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था. अरे निखिल. हाय आंटी. वापस आए और बताया तक नहीं. आओ अंदर आओ. नहीं, वो एक्चुअली आंटी, मैं वापस जा रहा हूँ आज शाम 6 बजे की ट्रेन से. फिर से? इस बार हमेशा के लिए जा रहा हूँ आंटी. ये सब क्या है निखिल, बरसों बाद कोई मिला जिसे मिलकर ऐसा लगा मेरा बेटा मिल गया है. लेकिन तुम्हें उससे क्या, वैसे हम तुम्हें रोक भी तो नहीं सकते. नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है. ये सीरीज रख लीजिए और सोचिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ. How sweet of you. अच्छा आंटी, मैं चलूँ? अरे ऐसे कैसे जाओगे, मैं कॉफी बनाती हूँ, कॉफी पीकर जाना. तब तक शगुन भी आ जाएगी. वो फिर तो मैं चलता हूँ. इसका मतलब तुम शगुन को समझ ही नहीं पाए. जो अंदर से नर्म होते हैं वो बाहर से सख्त ना हो तो दुनिया उसे कुचल देती है. क्या मतलब आंटी? वो 12 साल की थी, उसके डैडी ने दूसरी शादी कर ली और हमें छोड़कर चले गए. Just stop it, okay? मेरे डैड, तब से वो किसी पर भरोसा नहीं करती, ना ही उसका कोई दोस्त है. मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है उसके अकेलेपन से. आंटी, I'm so sorry, पता नहीं मैं क्या क्या कह गई. नहीं, तुम जाकर बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी और मैक्सिकन टैकोस बनाती हूँ. जी. कल ही सीखा टीवी में देखकर. खाकर बताना कैसा है, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए. हाँ, वैसे इंश्योरेंस है मेरे पास. आंटी, हाँ? तब तक मैं अपनी मेल चेक कर सकता हूँ? श्योर, कंप्यूटर शगुन के कमरे में है. ऑलराइट, थैंक यू. नॉट बैड. Next. निखिल, बिना पूछे कभी किसी की डायरी पढ़ोगे? बोलो, पढ़ोगे? आज मैंने उसे पहली बार देखा. हजारों आदमियों की भीड़ में बिल्कुल अकेला लग रहा था वो, जैसे मैं जिंदगी की सारी खुशियों के बीच एक अकेले दुख की तरह. उसके माथे पर गिरते हुए बाल, कुछ ढूंढती आंखें और बच्चों जैसा भोलापन. उसे देखकर दिल ने कहा, काश वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हो.
वो तो सचमुच आ गया और जतन अंकल के घर में ठहरा है। इसका मतलब है कि कभी कभी दिल से निकली बात पूरी भी हो जाती है। ए शगुन, क्या हो रहा है तुम्हें? तूने तो कभी किसी लड़के को ध्यान से देखा तक नहीं, फिर अब क्या हुआ? क्यों हर वक्त इंतजार रहता है उसका? क्यों माँ के नाम से खाना ले जाती है उसके लिए? निखिल, एक बार, बस एक बार इतने पास आ जाओ कि मेरे दिल में झांक कर देख सको। मेरी तन्हाई में कोई आवाज नहीं है निखिल, एक बार मेरा नाम पुकार। सख्त ही सही, पर तुम्हारे लिए मैं टूट कर बिखरने को तैयार। बस एक बार हाथ बढ़ाओ निखिल, मैं हर बार साथ दूंगी। निखिल चला गया। कहाँ चला गया? मैंने उसे रोका क्यों नहीं? मैं उसके बगैर पागल हो जाऊंगी। क्या वो कभी वापस आएगा? क्या कभी मैं उसके सीने पर सर रख कर कह पाऊंगी? निखिल, अगर नहीं भी कह पाई तो तुम्हारी याद में जिंदगी बिता दूंगी। बिकॉज आई लव यू निखिल। निखिल, आई लव यू। आई लव यू निखिल। निखिल, आई लव यू। निखिल, जरा चेक के बताओ कैसा है। अरे क्या गया हो छोकरो? I'm getting out of here. वीरी स्टेशन जल्दी चलो। जी साहब। एक और? No way. बस कहकर टैक्सी में भाग। ममा हुआ। सुबह बात से ममा। यम्मी, यू आर द बेस्ट मामा इन द होल वर्ल्ड। वैसे मैंने ये निखिल के लिए बनाए थे। ओ, आ गया कड़का? हाँ आया, और चला भी गया। गया? कहाँ? कह रहा था इस बार हमेशा के लिए जा रहा है, 6 बजे की ट्रेन से। बड़ा अजीब लड़का है। 6 बजे? उस दिन मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक और अजीब खेल खेला। मेरी ट्रेन नहीं है, लेकिन शगुन आ गया। क्या हुआ स्मार्टी? सेकंड क्लास के थर्ड क्लास पैसेंजर्स ने अंदर घुसने नहीं दिया क्या? पता नहीं क्यों शगुन, शायद किस्मत मुझे एक और चांस दे रही। फिर से चांस? कैसा चांस? वो छोड़ो, एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली एक फ्रेंड को छोड़ने आई थी मैं। और वो गया नहीं। क्या मतलब? एक सेकेंड, ये लो और मुझे मारो। ये सब क्या है? वो मैंने तुम्हारा कंप्यूटर यूज किया था। हाँ, मामा ने बताया तो मैंने उसमें तुमने मेरे बारे में जो कुछ लिखा था वो सब पढ़ लिया। तुमने? What? You're the pits, निखिल। तुमने मेरी पर्सनल डायरी पढ़ी? या तुम no, ऐसा कैसे कर सकते हो निखिल?
Shagun, wo, I hate you, Nikhil. You're disgusting, Nikhil. Shagun, how could you do that to me? Just listen. How could you do that to me, Nikhil? Is this time also going to be betrayal with me? Let's see next. Maybe third time lucky. इस बार उठने को नहीं कहोगी? मैंने चोरियां तो वैसे बहुत की हैं, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आज तक कभी नहीं मिला। जरा सोचो शगुन, अगर मैं वो सब नहीं पढ़ता और हमेशा के लिए चला जाता तो मुझे हमेशा ये लगता कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। अपने फीलिंग्स को छुपाने के लिए अपने गुस्से को ढाल बनाना जरूरी था निखिल, क्योंकि अगर ये सब सच जानकर तुम मुझे ठुकरा देते तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ पे अपना नाम हमेशा के लिए लिख रहा हूँ। लड़की के हथेली पे नाम ऐसे लिखा जाता है? तो कैसे लिखते हैं? मेहंदी से, यू इडियट। प्रॉमिस मी कि ये सब एक सपना नहीं है। प्रॉमिस मी कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। आई प्रॉमिस। चाहे कहाना तुमने चाहे कहाना, मन सुन लिया सनम, तुझको दिल का साथी चुन लिया सनम। कहो ना सनम, पलकों के साए साए सपने तुम्हारे छाए, कैसे दिल को समझाए, बोलो ना सनम। लम्हा लम्हा यार तेरा इंतजार, आँखों ने तेरा सपना, आँखों ने तेरा सपना है बुलिया, है बुलिया, है बुलिया सनम, तुझको दिल का साथी चुन लिया सनम। तेरे लिए ही जानम, एहसास छल के हरदम, बढ़ने लगी है अब तो दीवानगी, धड़कन ये सरगम गाए, दिल की ये रीत तड़पाए, दूरी से ही ना जाए, तुझ पे फिदा है पल पल ये जिंदगी। अजब है निखार, नहीं की का तराना, आशिकी का तराना।
निखिल। हाय मॉम। मॉम के बच्चे, जिंदगी में एक नई लड़की क्या आ गई, तू अपनी माँ को भी भूल गया? कैसी बात कर रही है मॉम, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो नायाब है नायाब। और तुम एक नंबर के नालायक हो, नालायक, समझे? मॉम अगर आपका बेटा इतना ही नालायक होता तो उसे इतनी अच्छी लड़की कभी नहीं मिलती जितनी मिली है। Really? अच्छा, सारा मिली? सारा से बात हुई? तुमने उसे खबर दी कि नहीं? नहीं, एक्चुअली मॉम वो सारा नहीं, उसका नाम शगुन है। शगुन? हेलो मॉम। शगुन, अब ये शगुन कौन है? ये वही लड़की है मॉम जिसके लिए किस्मत मुझे मुंबई लेकर आई। हाय शगुन। तू क्या बोल रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मॉम इस बार जो मैं समरपुर आ रहा हूँ तो हमेशा के लिए, और साथ में आपकी होने वाली बहू को भी लेकर आ रहा हूँ। शगुन। बाय मॉम। हे भगवान, मुझे कोई बहू नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा लौटा है। निखिल ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं ब्लू नहीं, आई थिंक तुम्हें रेड ड्रेस पहनना चाहिए। रेड नहीं पहनूंगी तो पुलिस पकड़ लेगी, ब्लू इज बेटर निखिल। या बट रेड इज इट्स ट्रेडिशनल। ब्लू मुझ पर अच्छा लगता है निखिल। आई से रेड, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें पहनना है मुझे? सॉरी रेड मुझे नहीं लेना है, मैं जा रही हूं। अच्छा ओके, हैंग ऑन, लिसन शगुन। ठीक है, पकड़ लो किसी रेड पहनने वाले को, मैं घर जा रही हूं। अरे शगुन मेरी बात तो सुनो प्लीज निखिल, आई एम आउट ऑफ हियर। ओह गॉड। वो चली गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना। ना 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 नहीं शगुन, बेटा दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए निखिल आया है। उससे कहो अगर फायर ब्रिगेड आ जाए तभी मैं बाहर नहीं आने वाली। बाय द वे फायर ब्रिगेड का कलर भी लाल ही होता है। आंटी आप समझाइए ना प्लीज। मैं समझाऊंगी बेटा, तुम जाओ ऊपर, मैं भेजती हूँ उसे। मैं जा रहा हूँ। I'm going. She doesn't even care. It's amazing. I mean. स्वीट ऑफ लव, मेरे लिए लाल ड्रेस पहन लिया। आई थिंक मुझे माफी मांगनी चाहिए। सॉरी 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 नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निक्स, आई लव यू निक्स। व्हाट? I was wrong, absolutely wrong. मैंने कितनी बड़ी भूल की निखिल, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। आज मैं जान गई हूँ कि आसमान में कोई रास्ता नहीं होता। You were right. उतनी ऊंचाई पर मेरा कोई काम नहीं था। मैं तो गिरते गिरते रह गई। अपनी बेवकूफी में शायद अपनी इज्जत भी खो बैठती। मगर शायद तुम्हारे प्यार ने मुझे बचा लिया। तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो निखिल। You really love me. Neha. I know you love me. Neha. You love me, don't you? No. कहो तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो। नहीं नहीं, no. वो of course, इसीलिए इतने दिनों तक तुम वापस नहीं गए। Just listen मेरा इंतजार करते रहे। तुमने अपना समरपुर छोड़ा, अपना फुटबॉल। मेरी बात तो सुनो। Just for me. Just once. You're amazing, Nikhil. No, I'm not. Nikhil, I love you. No, you don't. I really love you, Nikhil. I really love you. मेरी बात। I miss you. I miss you so much. No. When are we getting married, Nikhil? Tell me, when are we getting married? हम शादी करेंगे। Mommy, Dad, Nikhil, I can't believe we're finally getting married, Nikhil. Nikhil, I love you. I love you so much. जो तुमने देखा वो सच नहीं था शगुन, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है यार? शगुन तुम गलत समझ रही हो शगुन। और मैं ना पिग। शगुन एक सेकंड, मेरी किस्मत ही खराब है यार। शगुन शगुन मेरी बात तो सुनो प्लीज। शगुन एक सेकंड, जस्ट लिसन टू मी प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनाई, मम्मा दरवाजा खोलो। शगुन जस्ट प्लीज, डोंट टच मी निखिल।
श्रुति शगुन शगुन कम ऑन दिस इज नॉट फेयर आंटी मेरी बात नहीं सुन रही है क्या हुआ आंटी मेरी बात ही नहीं सुन रही आप प्लीज समझाइए ना उसे लेकिन हुआ क्या क्या बात है चलो ढोल ले शगुन जस्ट लिसन क्या हुआ बेटा बता तो सही क्या बात है मुझे कुछ नहीं कहना है मामा प्लीज उसकी बात तो सुन ले मुझे ना उससे मिलना है ना बात करनी है शगुन वो क्या कहना चाहता है पहले उसकी बात सुन ले बेटा आई डोंट वांट टू सी हिज फेस अगेन मामा अच्छा ठीक है लेकिन रो मत बेटा क्या नेहा तुम क्या आई मीन व्हाट बाथरूम कहाँ है वहाँ क्यों क्यों अरे ये सब सामान रखना है कहाँ है इस तरफ नेहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू ये अच्छा देखो अगले महीने मेरी और शगुन की ओह काफी तेज मालूम होती है जो मैं 4 साल में नहीं कर सकी उसने 4 दिन में कर लिया नेहा अगर तुम्हारे पैर जमीन पर रहते तो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता था मेरी जगह तो अब भी कोई नहीं ले सकता देखो नेहा बहुत देर हो चुकी है दिल कोई किराए का घर नहीं होता निखिल माथुर कि एक चाय दूसरा आए घर तोड़ने के बाद कोई उसमें रह भी तो नहीं सकता ना ठीक है तो मैं इसी शहर में रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी जाऊंगी तो तुम्हें साथ लेकर बिकॉज़ आई लव यू निखिल कम ऑन शगुन पिक अप द फोन शगुन मुझे यहां तक आवाज आ रही है तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो शगुन आंटी मैं प्लीज इस वक्त उसे ना ही मिलो तो अच्छा है बहुत गुस्से में है वो आंटी लेकिन जब तक मैं उसकी गलतफहमी दूर नहीं करूंगा वो देखो बेटा हमारे गुजराती में एक कहावत है जब नदी में बाढ़ आती है ना तो उसमें तैरना नहीं चाहिए किनारे पर बैठकर इंतजार करना चाहिए ये क्या कर रहे हो किनारे पर बैठकर इंतजार निखिल तुम घर जाओ मैं उससे बात करती हूँ प्रॉमिस आंटी ओके शगुन अगर आज के बाद इस घर में उसका नाम भी सुनाई दिया तो तुम मुझे खो दोगी मम्मा मगर बेटा एक बार बात करने में क्या हर्ज है मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मा सुनना पड़ेगा कब तक अपने बाप की किए की सजा दूसरों को देती रहोगी मैं बेवकूफ नहीं हूँ मम्मा बिजली कभी एक जगह दोबारा नहीं गिरती बेटा उसे पराया बनाने से पहले आखिरी बार अपना समझ कर उसकी बात तो सुन ले क्यों मम्मा क्यों क्यों लिखा मैंने ये सब क्यों मेरी खातिर बेटा एक बार उसकी बात सुन तो ले आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगी तुझसे रहमान भाई आप यकीन नहीं मानेंगे कल रात को मेरे साथ क्या हुआ मुझे सब मालूम है आपको कैसे पता अरे लव एक्सपर्ट कौन है तू या मैं पर ऑफ कोर्स तेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तेरे इस दोस्त रहमान को सब मालूम है और मैंने उसे भी समझा दिया है वो यहाँ ही है अरे जा दिल खोल कर बातें कर उससे मैं यहाँ म्यूजिक कॉन्टेस्ट शुरू करवा देता हूँ किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा यूर लाइफ सेवर रहमान भाई कहाँ है वो अंदर मेरे कैबिन में अरे अब जाना इससे यार रहमान का नाम रोशन कर अकेला जा और उसे अपनी बाहों में भर के ले अरे मुझे नहीं उसको थैंक्स रहमान भाई एनीथिंग फॉर यू माय फ्रेंड आई एम टू गुड यार तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो निखिल
I'm really sorry, Nikhil. I'm very sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. वो बंटी, बंटी फरेबी मकार निकला. उसने मुझसे शादी का वादा किया और किसी और के साथ भाग गया. और उसी की वजह से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे प्यार की बेइज्जती की निखिल. I'm sorry. I'm very sorry, निखिल. Please forgive me. निखिल, I'm sorry. क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं निखिल, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ. हम कल सुबह समरपुर चले जाएंगे, इस धोखेबाज शहर से दूर. देर से सही, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था. निखिल, मैंने क्या किया? निखिल, I really love you. अरे तुम निखिल, I love you. निखिल, चलो समरपुर चल के शादी करते. Let's just get married, निखिल. निखिल, निखिल, let's just get married. I love you. I just love you. निखिल, चलो सारी दबा. किस नहीं कर रहा था वो, मुझे किस कर रही थी, मैं क्या कर सकता हूँ? Just go to hell, Nikhil. Shagun, please. Don't touch me, Nikhil. और प्लीज मुझे फॉलो मत करना. Shagun, Ma, you were wrong. बिजली तीसरी बार गिरी है एक ही जगह. Great. Fantastic. Mind blowing. 24 घंटे में मैंने उसे दूसरी बार खो दिया. I mean, I've done it again. I'm too bloody Nikhil. Good. Again? Yeah, again. I mean, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? Huh? What am I? जब मन में आया चले आए, जब मन में आया चले गए. Am I Viri Station? What do I look like? Viri Station? Nikhil, but I really love you. Oh, you really love me. That's so great. मैं तो भूल ही गया था. तुम मुझसे प्यार करती हो. अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, तो जाओ. उसको मेरे लिए वापस लेकर आओ. क्योंकि मेरी खुशी उसी में है. मेरा दिल इतना सख्त नहीं है निखिल कि इतनी जल्दी एक और घाव बर्दाश्त कर सके. I'm sorry, निखिल. But I really love you. And I really love her. मुझे तू नजर आए खूब खूब, मुझे तू नजर आए जाती है तू हर जगह.
जन्नत मेरा जहां, मेरी जन्नत मेरा जहां है बस तू ही तू, कुबकू मुझे तू नजर आए। जाने जा तुझे क्या कहूं, मेरे ख्वाबों में, मेरी बातों में, मेरी नींदों में, मेरी रातों में, बस तू ही तू। जाने मन मेरी जिंदगी है तू। I really miss you. I need you. You mean everything to me. Everything. Dil, 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 banaya kyun ye dil? Oh rabba re, oh rabba re. आए मेरा इश्क चाहती है जान, रूबरू जब भी आए मेरा इश्क चाहती है जान। हाल दिल है कैसा मेरा, हाल दिल है कैसा मेरा, कैसे मैं कहूँ गुबकू मुझे तू नजर आए। अच्छा हुआ तुम आई। देखो शगुन, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। शगुन तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें, प्लीज प्लीज अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो, कम से कम मेरे साथ नहीं। एक्चुअली और अ लिटिल लेट, तुम्हें शायद पता नहीं एक दूसरी वाली भी है, पहले उससे जाकर निपटो, और क्या पता तीसरी चौथी पांचवी भी हो। क्या है ना, निखिल के साथ कुछ कह नहीं सकते, सो गुड लक एंड गुड बाय। दूसरी, तीसरी, तीन तीन, तुम तो मेरे भी बाप निकले। तुमसे तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी गुरु। हमको तो आता है दिल लगाना, बस नहीं आता है दूर भगाना। अरे क्या करें, ये लालची दिल मांगता ही रहता है मोर मोर मोर। आई मीन रहमान भाई, आई कांट बिलीव कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। सब लोग इतने सारे गेम्स क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ? मुझे तो एक ही गेम आता है, फुटबॉल, दैट्स इट। अरे जिंदगी फुटबॉल गेम से कम थोड़ी है। प्रॉब्लम्स को टैकल करो, डर को ब्लॉक करो, गोल को स्कोर करो, दैट्स लाइफ। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम कल की क्रूज पार्टी पर कॉन्सेंट्रेट करो। रहमान भाई, आई मीन प्लीज ट्राई एंड मैनेज विदाउट मी। ऐसी हालत में वहां के मैं क्या करूंगा रहमान? अरे दोस्त, टूटे हुए दिल से जो आवाज निकलती है उसका कोई मुकाबला नहीं। कम ऑन, चीयर अप, यू हैव टू जमा द पार्टी। रहमान भाई, आई कांट, प्लीज। हो सकता है पार्टी में कोई दूसरी मिल जाए, अगर मिल जाए तो उससे कह देना चांद को तोड़ दूंगा, सूरज को फोड़ दूंगा, अगर तू हाँ कह दे तो पहले वाली को छोड़ दूंगा। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत बुरा। क्यों भाई, सुबह से लिफ्ट में ऊपर नीचे हो रहे हो? लिफ्टमैन की नौकरी ले ली है क्या? नहीं वो एक्चुअली अंकल मेरी एक मीटिंग है। अच्छा, कहाँ कहाँ है मीटिंग? यही लिफ्ट में अंकल। मीटिंग लिफ्ट में? मीटिंग लिफ्ट में, अच्छा है, अच्छा अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई एक मिनट, अगर तुम्हारी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए जी तो मुझे भी बता देना, आइंदा मैं भी अपनी मीटिंग लिफ्ट में रखा करूंगा। अंकल कैसी बात कर रहे हैं? सुबह से मैं ही मिला था इसको। शगुन, मेरी बात सुनो, जस्ट लिसन टू मी, एक बार मेरी बात। अब तुम मेरी बात सुनो निखिल। जब मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया तो मुझे लगा कि दुनिया का हर मर्द झूठा, मकार और धोखेबाज होता है, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे लगा नहीं, मैं गलत हूँ, हर मर्द ऐसा नहीं होता। प्लीज, बट थैंक यू सो मच निखिल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि दुनिया का हर मर्द झूठा, मकार और धोखेबाज ही है। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है निखिल।
मेरे हमदम, मेरे दोस्त, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें और तुम यहाँ? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? महफिल तो नीचे बॉलरूम में जमी हुई है। Come on, let's go, let's go, let's go, let's rock and roll. अरे ये क्या? अरे दोस्त तुम मुंह लटकाओगे तो मैं तो लटक ही जाऊंगा, पार्टी अटक जाएगी। अरे वो मचलता फड़कता निखिल कहाँ है जो सारा की पार्टी में था? वो मर गया। अगर मुर्दे में जान डाल दूं तो? नहीं, इससे पहले मैं यही काम करता था, आबादी बढ़ जाने के डर से बंद कर दिया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं रहमान भाई। मैं भी नहीं और शायद वो भी नहीं। कौन? यहाँ नहीं, उसके लिए नीचे चलना। Patience, my friend. Have some patience. हाँ, what's up? क्रूज से समुंदर कितना खूबसूरत लगता है ना? अपने समुंदर का निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था पड़े रहे सारा दिन। तू लकी है यार। एक मैं हूँ जिसे तैरना ही नहीं आता। तुम्हें तैरना नहीं आता? हाँ, मुझे तो शगुन ही लग रही है। तुझे क्या लगता है? लेकिन रहमान भाई, ये यहाँ? दोस्त, तुझे क्या लगा कि मैं बहुत मतलबी हूँ और तुझे अपने काम के लिए लाया? अगर लकी ड्रॉ में मेरा नाम नहीं आता तो शायद मैं आती नहीं। गो, बना ले उसे। जा। शगुन। ओ, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? शगुन, मुझे तो पता भी नहीं था तुम यहाँ आने वाली हो। ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हें कभी भी कुछ भी पता नहीं होता। तुम्हें ना नेहा का पता था, ना उस दूसरी लड़की का पता था। लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ निखिल, मुझे सब कुछ पता है। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो इस प्लेबॉय के साथ। मी? प्लेबॉय? एंड यू? आपने मुझसे झूठ बोला, किसी लकी ड्रॉ में मेरा नाम नहीं आया। आप मुझे यहाँ धोखे से लाए हैं। धोखा नहीं, मौका अपना शक दूर करने का। आप मुझे यहाँ इससे मिलवाने लाए थे? राइट, अभी बात करेंगे या सेलिब्रेशन के बाद में? मुझे घर जाना है अभी इसी वक्त। आपको तैरना आता है? उड़ना आता है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, देर इज अ प्रॉब्लम, ये शिप पानी में है, डॉक करेगा तभी तो आप घर जा सकेंगी। ये शिप भी आपकी तरह अपनी मर्जी का मालिक है। मैं आपका खून पी जाएंगी। हैव दिस, ये ज्यादा टेस्टी है और उतना नशा भी नहीं है जितना इस प्लेबॉय के खून में है। शगुन, शगुन, Nikhil Mathur! Let's hear it for Nikhil Mathur! Let the celebration for Planet M begin with Nikhil Mathur! से छीन लोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? मुझे तुम्हारे निखिल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम प्लीज उसे अपने पास रखो और मेरा पीछा छोड़ दो। ओह, ना कोर्टशिप ना फ्रेंडशिप, तो इस शिप पे क्या कर रही हो? रहमान भाई मुझे धोखे से लाए हैं। बेचारी कितनी भोली है, कोई भी आदमी किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। हाउ कन्वीनियंट। इसे कोई धोखा नहीं दे सकता, ये सारी दुनिया को धोखा दे रही है। इसकी प्लानिंग तो बड़ी कमाल की है। पहले प्यार के चक्कर में दिल को फंसाओ, फिर दूर चले जाओ। लड़कों को ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, जो मुश्किल से हार आए। मैंने तुमसे पूछा? तुमसे कौन बात कर रहा था, मैं इससे कह रही थी। सोचा था पहले से देख लूं, फिर तुम्हें। कौन सा गेम खेलने आई थी? तो तुमने मेरी की है, लेकिन तुम्हें हेल्प कौन करेगा? तैरना जो नहीं आता, निकल को मुझसे छीना चाहते हो, और ठीक है समझती अपने आप को? Come on!
पागल हो गए। दिस इज नॉट ओके देख लीजिए ओके अब कम है मुझे किसने बचाया? तुम्हें उसने बचाया जिसके लिए तुम्हारे दिल में कुछ नहीं बचा है। निखिल? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो फिर नहाने के लिए समुद्र में क्यों कूदी? नहीं नहीं, दरअसल मुझे गिराया गया। नेहा और सारा कहाँ है वो दोनों? ऐसा नेक काम करने वाले कहाँ हो सकते हैं? ऊपर वाला सब देखता है। यानी वो दोनों डूब गई? अरे उन दोनों को तो पहले ही डूब मरना चाहिए था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि निखिल ने तुम तीनों में से सिर्फ तुम्हें क्यों बचाया? कहना क्या चाहते हैं आप? अरे यही तो, सारा और नेहा दोनों निखिल के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और उस बेवकूफ ने तुम्हें बचाया, तुम्हें जो उसे हेट करती है। मेरी तो समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि निखिल ने तुम तीनों में से सिर्फ तुम्हें क्यों बचाया? और मैं उसकी यादों के साथ वापस लौटा। निखिल! Hi guys. कब आया तू? बस अभी। Anyway, good timing. Guess what? आज शाम को मैच है और आज जीतना बहुत जरूरी है। हाँ। कैसे? स्विमिंग सीखने आए हो, इडियट। माँ ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है। मेरी मॉम ने? नहीं, हमारी। मैंने सुना है कभी-कभी आज 7 रेनबोज दिखाई देते हैं। एक तो मेरे सामने, बाकी 6 अब ये इसे बाहर निकलते दिखा दो। I love you, Nikhil. I love you. अरे बाबा, जब बार बार आप दोनों ने शगुन को आप समझाने की कोशिश की कि निखिल को अपना लो और उसने आप दोनों से बात करने से भी इनकार कर दिया,
तो इस आशिक आवारा को एक हिट आइडिया तो बनाना ही था। पर आप दोनों की कुर्बानी के सामने मेरा ये आइडिया कुछ नहीं। क्या कुर्बानी? मैं तो निखिल से प्यार करती हूँ। अगर मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती तो जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहती। God bless you. And I think he's worth it. मैंने तो सिर्फ उसका एहसान उतारने की कोशिश की है। जब मैंने उसे अपनी जिंदगी से जाने को कहा, उसने किया। अब मेरी बारी है। Yeah, he's a great guy. Yes, he's a great guy. और आप दोनों भी कुछ कम नहीं। Beautiful. यही वो जगह है शगुन, जहाँ on the perfect day, 7 rainbows दिखाई देते हैं। Today is the perfect day, Nikhil. देखो। तो इस तरह शगुन, जिसने बिना किसी शर्त सिर्फ मुझसे प्यार किया, हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बन गई। ये थी मेरी कहानी। दिल ने मुझे समझाया, कुछ खोया कुछ पाया, अब ना कोई शिकवा गिला, मिलना था जो वो मिला। दिल के सफर में सच है।